हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नए टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, हैप्पी क्रिसमस सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका फ़ोन में आपको लग रहा है कि चार्ज ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो उसके लिए रीज़न हो सकता है सॉफ्टवेयर। अगर आपको लग रहा है आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, तो उसके रीज़न भी हो सकता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आप ट्रैक करिएगा कि आपका चार्ज किस लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है और आपका डाटा ज़्यादा यूजिंग किस लिए हो रहा है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं आपका मोबाइल के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज फुल डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोग ले लाता हूँ, जो आपका काम पे आए। फ्रेंड्स, बहुत बार पता ही नहीं चलता है हम लोगों का डाटा यूजिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इनका मतलब कोई आपका एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर टाइम 24 आवर्स एक्टिव रहता है, उसी के साथ वही एप्लीकेशन चार्ज भी ज़्यादा खाता है और उसी के साथ आपका डाटा को ऑल टाइम यूज़ करता है। तो उस समय में आपको ट्रैक करना चाहिए, अगर वो एप्लीकेशन ज़्यादा डाटा यूज़ कर रहा है तो वो किस तरह का एप्लीकेशन है, ये आपको फॉलो करना होगा। तो उस हिसाब से आपको ट्रैक करना होगा आपका वो एप्लीकेशन और उसी के साथ जो ज़्यादा चार्ज आपका यूज़ हो रहा है, तो कौन सा एप्लीकेशन के वजह से ज़्यादा चार्ज यूज़ हो रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आपका फ़ोन के अंदर सेटिंग में जाते हैं, वहाँ पर अगर आप बैटरी चार्ज करिएगा, बैटरी चार्ज करने के बाद वहाँ पे बैटरी ऑप्शन में चले जाइए। जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करिए, वहाँ पे दिखाई देगा पार्ट बाय पार्ट कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा आपका चार्ज खा रहा है। और वहाँ पे देखिए, पहले एप्लीकेशन जो आपका होता है वो आपका डिस्प्ले होता है, तो उस हिसाब से पार्ट बाय पार्ट आपका एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उस हिसाब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटरी ऑप्शन में जाने के बाद आपको इशू भी दिख सकता है, मतलब जो एप्लीकेशन कंटिन्यू आपका चार्ज को यूज़ कर रहा है, जो आपका मोबाइल का बैटरी जो यूज़ कर रहा है, तो उस हिसाब से इशू आपका शो होगा, जिस तरह से इशू अभी आपका सामने शो हो रहा है। ठीक इसी तरह कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा हर टाइम एक्टिव रहता है, उस हिसाब से वो चार्ज को यूज़ करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का नहीं चाहते हैं तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं, मतलब इशू को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो ज़्यादा चार्ज यूज़ हो रहा है तो इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं इस बैटरी ऑप्शन में जाके। बैटरी सेवर को अगर आप ऑन कर लीजिएगा तो वो एप्लीकेशन ज़्यादा बैटरी आपका यूज़ नहीं कर पाएगा, तो बैटरी सेवर को ऑन करने से आपका चार्ज थोड़ा बचेगा। तो फ्रेंड्स, इस बार चले आते हैं डाटा यूजिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल में सेटिंग में जाके डाटा सर्च करिएगा, तो सेटिंग में जाने के बाद डाटा ऑप्शन में चले आने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा कि कौन सा एप्लीकेशन दिन में कितना डाटा यूज़ कर रहा है और कितना डाटा वो काम कर रहा है। तो इस हिसाब से आप अगर जो एप्लीकेशन को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डाटा यूज़ कर रहा है वो एप्लीकेशन ज़्यादा, तब उसमें कुछ गड़बड़ लगता है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि इस एप्लीकेशन को डाटा यूज़ करना ही नहीं चाहिए, बट डाटा यूज़ कर रहा है, तो क्यों यूज़ कर रहा है, तो वो आपको देखना है डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना जो एप्लीकेशन डाटा ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं आपका डाटा ऑप्शन में जाके। सेटिंग में जाने के बाद आप डाटा सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डाटा का जो ऑप्शन है मोबाइल डाटा, वहाँ पर भी जाके भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपका ज़्यादा डाटा यूज़ कर रहा है। तो उस हिसाब से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड डाटा को ऑफ करना, मतलब वहाँ पर दो ऑप्शन देगा, सिम वन, सिम टू एंड वाईफाई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल डाटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस समय में आप नहीं चाह रहे कि मोबाइल डाटा ज़्यादा यूज़ ना हो, तो उस समय में आप सिम वन सिम टू को ऑफ कर सकते हैं, ओनली फॉर वाईफाई कर दे सकते हैं, मतलब जब आप वाईफाई कनेक्टेड में रहिएगा उस टाइम में ओनली फॉर डाटा वो यूज़ करेगा ज़्यादा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन, मतलब जिसका इंटरनेट से कोई काम ही नहीं है बट वो डाटा यूज़ कर रहा है, तो उस समय में थोड़ा सा गड़बड़ हमको लगता है। तो अगर उस तरह का कोई भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर रहा, तो उस एप्लीकेशन को जल्द से जल्द अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि उस एप्लीकेशन के अंदर मैलवेयर वायरस रह सकता है। मैलवेयर क्या है, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देख सकते हैं, मैलवेयर रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं पहले से ही। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से चेक करना है, ऐसे ही आपका डाटा ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है तो उस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा किस लिए डाटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप कौन कौन एप्लीकेशन कितना टाइम यूज़ करते हैं, वो कितना डाटा यूज़ कर रहा है, वो सारा डिटेल्स भी आप यहाँ पे
डाटा ऑप्शन में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करके बताइए। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो। सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं।